हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एफडब्ल्यू एनजीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन जानेंगे, प्रिपरेशन क्या होता है एफडब्ल्यू एनजीओ के लिए। तो इसके लिए एफडब्ल्यू एनजीओ के लिए पेशेंट को खाली पेट होना ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे के फास्टिंग होना ज़रूरी है, और सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया लेवल नॉर्मल रिपोर्ट होना ज़रूरी है। जो यूरिया का 40 to 45 तक नॉर्मल रेंज होता है, और क्रिएटिनिन 0.4 to 1.45 तक नॉर्मल होता है। तो इस पेशेंट अगर जो इस 0.4 to 1.46 के बीच में है, तो आप CCT कंट्रास, नॉन आयनिक कंट्रास, IV कंट्रास देकर पेशेंट को एब्डोमिन एनजीओ या फिर CCT एब्डोमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पेशेंट को कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, पेशेंट को खाली पेट और उसके बाद से कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। पेशेंट करने से पहले पेशेंट को पूरा समझाना होता है कि आपके मतलब कि आपका स्टडी में मैं एक दवा दूंगा, उसका रिएक्शन होने का चांस ना के बराबर होता है, अगर जो होता है तो इसका ज़िम्मेदार आप हैं। तो ये पूरा समझाते हुए पेशेंट के साथ में या पेशेंट से और जो पेशेंट से भी अगर जो एडल्ट पेशेंट है 18 से अबव है, समझदार है, तो आप उसको ले सकते हैं, कंसेंट पेपर पर साइन करा सकते हैं। उसके बाद से आप नॉन आयनिक कंट्रास यूज़ करेंगे, बाय इंजेक्टर के थ्रू हम कंट्रास इंजेक्ट करेंगे, कैनूला लगा देंगे, वीगो आप लगा सकते हैं, 18-20 ml 20 साइज गज का लगा सकते हैं IV मतलब कि वीगो। उसके बाद से सिंगल इंजेक्टर से भी हो सकता है, डबल या प्रेशर इंजेक्टर से हो सकता है। जो मैं किया हूँ सिंगल इंजेक्टर से किया हूँ, सिंगल प्रेशर इंजेक्टर से। वो इंजेक्टर का मैं प्रोसेस बाद में दिखा दूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं केवल स्टडी दिखाऊंगा, केस स्टडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको दिए थे डिसेंडिंग एरोटा पे, प्लान हम देखेंगे डबल क्लिक करके। पहले केस ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये प्लेन है। ये किस लिए होता है? एब्डोमेन में कोई एनोरिज्म हो या फिर कोई किसी ऑर्गन को अलग से आर्टरी या फिर सप्लाई हो रहा है, या फिर एब्डोमेन में किसी प्रकार के एनोरिज्म होता है, उस कंडीशन में होता है ये। आप देख सकते हैं ये प्लेन है, ये एनजीओ है, CTA है एब्डोमेन, ये तो प्लानिंग है। ये उसी का रिपीट है, डिलेट, ये थिन स्लाइस आ रहा है, ये थिन स्लाइस है, ये थिक स्लाइस है डिलेट का। देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है, अभी ये मिप में देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। टू डी इमेज है, ये भी 2D है, ये भी 2D है। तो हम चलेंगे सबसे पहले MPR VRT पे। तो हम जो एब्डोमिन एनजीओ का थिन स्लाइस है उसको स्क्रॉल करके डिस्प्ले बढ़ाएंगे। ये आ गया, पहले विंडो हम सेट करेंगे। ये एब्डोमिन एनजीओ का विंडो सही वाला है, देखिए आर्टरी आयोटा है, एब्डोमिन आयोटा। ये फीमरल आर्टरी है, एक्सटर्नल इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है,
देख सकते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे कोर का, देखिए इसका हाइड्रोनेफ्रेसिस है और किडनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए अच्छा हुआ है सिंगल प्रेशर इंजेक्टर से क्या चाहिए, और इसका प्रेशर मैंने रखा था फ्लो रेट 2 पॉइंट रखा था, और पेशेंट को टोटल बॉडी में कंटास इंजेक्ट किया गया है 82 ml। साइज हम देखेंगे, ये रहा फिल्मिंग, इसका हम फिल्मिंग प्रोसेस जानेंगे। केवल एनजीओ का ही फिल्म जाएगा इसमें, आप चाहें तो डिलीट कर दे सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा, प्लेन का आप दे दीजिए, एक प्लेन का दे सकते हैं, एक जेल का, तब मैं केवल दूंगा एनजीओ का, सीटीए का जो कंटास वाला है। पैरल रेंगल पे जाएंगे, नंबर ऑफ इमेज हम सेट करेंगे 60, दो इमेज एक जेल का देंगे, और एक इमेज हम देंगे कोर का, एक साइज का देंगे। टोटल 4 फिल्में देंगे हम, एक मिप वीआरटी देंगे, मिप में वीआरटी में हम इसका रखेंगे थिकनेस 9 का, और यहाँ से हम मिप में कर देंगे। इसका विंडो चेंज करूं, ये रहा, ये कितना अच्छा दिख रहा है, जूम करके दिखा दूँ। नंबर ऑफ इमेज देंगे 59 देंगे, एक टोपो भी देंगे, लॉक करेंगे यहाँ से। लॉक करने के बाद से ये रहा, हम कोर पे प्लान करेंगे एक जेल का, ऐसे यहाँ तक देंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड हो गया। इसके बाद से कोर का देंगे, कोर का भी 9 का ही रहेगा, और ये रहेगा 30, लॉक करेंगे। हर टेक्नीशियन का अलग अलग टेक्निक होता है, और जो आपको कुछ सजेशन हो या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। स्टार्ट करूंगा यहाँ से, एक्सेप्ट कर लूँगा, एक्सेप्ट हो गया। अब साइज का बनाएंगे, ये भी 30 का देंगे, अलग अलग इमेज जाएगा, सेट कर दूंगा यहाँ से। ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, इंड कर दूंगा। ये प्रिंटिंग के लिए ये देखिए 30 के लेआउट पे हम देंगे, दो फिल्म एक जेल का जाएगा, एक कोर जाएगा, एक साइज जाएगा। यहाँ एक टोपो डालेंगे हम,
ये वाला देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट ऑल सीरीज करेंगे, ऑल इमेज, थोड़ा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, सेंटर में करने के बाद से यहाँ से प्रिंट कर देंगे। इसे हमें प्रिंट नहीं करना है, ये आप लोग को देखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँगा, फिर हम कोर का देंगे, रिवर्स करेंगे, कोर का रिवर्स हो गया। थोड़ा जूम करेंगे, ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं, कंट्रास्ट थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये रहा कंट्रास्ट, इसको भी हम प्रिंट कर देंगे। हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ इसलिए कभी कभी धीरे धीरे टेढ़ा हो जा रहा है। इसके बाद से मैं इस ऑल पे क्लिक करके डिलीट कर दूँगा, इसको प्रिंट नहीं करना। प्रिंट करना होगा तो माउस का कर्सर आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंट हो गया। ये लेआउट का ये कॉपीज दिखा रहा है, प्रिंटर डिटेल दिखा रहा है, या प्रिंटर पेपर साइज दिखा रहा है ये। उसके बाद साइज़ को लेंगे हम, साइज़ को कुछ करना नहीं है, ऑल सेलेक्ट करके जूम कर लेंगे, कंट्रास्ट सेट करेंगे, ये कंट्रास्ट सेट हो गया। उसके बाद से हम इसको भी डिलीट कर देंगे, देना होगा तो यहाँ से दे सकते हैं, सेव करना हो सेव यहाँ से कर सकते हैं। हम डिलीट करेंगे क्योंकि जा चुका है। अब हम मेप और वी आर टी इमेज बनाएंगे। सबसे पहले मेप और वी आर टी इमेज देखिए कैसे बनता है। मेप वी आर टी पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देख सकते हैं, हम अलग से बनाएंगे, इसको नहीं देंगे, ये मेरे हिसाब से नहीं बना है, सॉफ्टवेयर का जो प्लानिंग होता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से बना है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, डबल क्लिक करूँगा, आ गया। अब यहाँ से बोन टेबल रिमूव करेंगे, सबसे पहले टेबल रिमूव हो गया, बोन रिमूव करूँगा, इसमें ऑटोमेटिक बोन रिमूवर है। यहाँ से गैलरी से आप जा सकते हैं, इसका विंडो चेंज कर सकते हैं, गैलरी से प्रोटोकॉल दूसरा ले सकते हैं बीआरटी के लिए। जैसे यहाँ गया गैलरी में, गए गैलरी में, यहाँ पे आल रिखा है, हम एब्डोमेन क्लिक करेंगे, एब्डोमेन आ गया, इसमें से आप जो चाहें वो ले सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, जो ऑटोमेटिक आया था वो मेरे लिए सही था, मैं किसी को नहीं लूँगा। ये आ गया, बीच में उतना क्लियर नहीं आया, पेशेंट को हो सकता है दिक्कत हो इस वजह से क्लियर नहीं आया है, या फिर जो भी दिक्कत हो। मैं इसको पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद कटिंग करेंगे, यहाँ पंच है, पंच पे जाके हम कटिंग कर लेंगे। इसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ऑटो है और पंच है, पंच से भी कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, रिसेट भी कर सकते हैं। तो हम पंच पे फिर क्लिक करेंगे, ये हटा देंगे, ये देखिए, ज़्यादा इमेज नहीं देंगे इसको, हम थोड़ा सा रोटेट कर करके 12 इमेज दे देंगे, मेप और वी आर टी दोनों देख सकते हैं। रोटेट करूँगा मैं कीबोर्ड का जो एरे वाला बटन है, उससे मैं क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर लेटर जो आएगा वो शो होगा। मैं रोटेट करूँगा और यहाँ से सेव करूँगा, सेव, एक ए पी दे दूँगा, नीचे देख सकते हैं सेव आगे हो गया। इसके बाद से राइट ऑब्लिक देंगे, लेफ्ट ऑब्लिक देंगे, एक इस पे दे दूँगा सेव, दो हो गया। तीन हो गया,
लेटरल दे देंगे, ये लेटरल इमेज है, चार हो गया। ये किस पे दे देंगे, पांच हो गया। ये दे देंगे, पी आ गया, छह हो गया। इक्कीस पे दे देंगे, सात हो गया। राइट लेटरल दे देंगे, आठ हो गया। राइट ऑब्लिक, नौ हो गया। अब मीप में देंगे हम, यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, देखिए मीप आ गया। मीप में देंगे हम, एक ए पी दे देंगे, पी ए दे देंगे, ए पी हो गया। सेव, ये कीबोर्ड में यस क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। लेफ्ट ऑब्लिक दे देंगे, सेव हो गया। पी ए दे देंगे, इसको भी दे देते हैं, ये दे देंगे। सेव, लैटरल दे देंगे, लेफ्ट लैटरल, सेव। राइट ऑब्लिक एक दे देंगे, सेव। ये रहा, अब प्रिंटिंग पे जाएंगे, बारह के लेआउट सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं बारह पे आता कि नहीं। चार तीन बारह, इस पर आ जाएगा, चार चौक सोलह, इस पर दूँ चार 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 चार, ये देखूँ, इस पर देखता हूँ आता कि नहीं। तीन चौक बारह पे स्क्रॉल किया, कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, तीन एक्स्ट्रा जा रहा, इसको देना ही देना है। जूम किया, इसको भी दे देता हूँ, इसको नहीं देता हूँ, डिलीट कर दूँगा, डिलीट हो गया। जूम करूँगा इसको, इसको भी जूम, ये जूम हो गया। फिर इसको भी नहीं देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ये आ गया। एक एक इमेज जूम करेंगे इसमें, नहीं तो कटने का चांस हो जाएगा, एक साथ पूरा कर देंगे तो कटने का चांस हो जाएगा। ये जूम हो गया है, कंट्रास्ट सेट करेंगे थोड़ा सा, ये कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिंट नहीं करेंगे,
क्योंकि ये रिव्यू के लिए ओनली बना रहे हैं, तो डिलीट कर देंगे। दे रहा वीडियो एब्डोमेन एनजीओ का, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके, बाय बाय।